एमएस व्लॉग्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो एडवांस में आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, आने वाली है, कमिंग सून। तो जय माता दी सभी को। तो चलिए भाई अब तैयारी कर लेते हैं, डेकोरेशन करेंगे सुंदर सुंदर सी, और माता रानी की पोशाकें आएंगी। वंश हटो 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 हटो, बात करने दो, गंदी बात। माता रानी की पोशाकें आएंगी, देखिए एक नंबर मार्केट से जहाँ से हमारी माता रानी हम लेकर आए थे ना नवरात्रि में, तो वहीं से बस पोशाकें आती हैं। वंश गंदी बात, तो बेटा गैस बहुत तंग करता है वंश अब बीच में। तो पोशाकें आती है माता रानी की, श्रृंगार का सामान आता है जी हमारा वहीं से, और क्योंकि यहाँ आसपास में कहीं मिलती नहीं है मैया की, हमारी मैया की पोशाकें, तो श्रृंगार का सामान आता है उनका और सब कुछ वहीं से मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए जी चलते हैं एक नंबर मार्केट फरीदाबाद, और आपको दिखाते हैं किस तरीके की पोशाकें, किस तरीके की चीज़ें, और कर लेते हैं जी थोड़ी बहुत तैयारी डेकोरेशन की भी। डेकोरेशन करेंगे सुंदर सी, दिखाएंगे आपको आगे आगे जो व्लॉग आएंगे नवरात्रि व्लॉग, उनमें आप लोग देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा, और साथ के साथ लाइक भी करते रहिएगा वीडियो को, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि भैया देखिए मेहनत बहुत लगती है एक ब्लॉग बनाने में, एडिट करने में, और आप लोगों तक पहुंचाने में यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं जी मार्केट, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्या क्या चीज़ें, किस तरीके की चीज़ें मार्केट में आई हुई हैं। और अब हो रही है जी रात, क्योंकि हस्बैंड अभी आए हैं रात को ऑफिस से, और एक नंबर थोड़ी दूर दूर की जो मार्केट है ना, मैं अकेले जाना पसंद नहीं करती, अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। वैसे तो चारों तरफ चली जाती हूँ, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है पूरी फैमिली हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो बस चलिए जी चलते हैं अब मार्केट। तो यहाँ पे माता रानी की पोशाक मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कितनी प्यारी पोशाक है ना, इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें आई हुई हैं मार्केट में, बहुत ही प्यारी सी। देखिए ये राजस्थानी टच में है, कितनी प्यारी मोती का वर्क है, तो बहुत ही सुंदर सुंदर वर्क जो है पोशाकों पे, और ये जो पोशाकें हैं काफ़ी महंगी भी हैं। देखिए ये 600-700 की रेंज में ये पोशाक मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये देखिए ये पोशाक कितनी प्यारी सी है, मोती का सफ़ेद मोती जड़े हुए हैं और लाल कुंदन का पूरा काम है। तो देखिए ये जो शॉप है ना, देखिए हरियाणा से जो बिलोंग कर रहे हैं जो मेरे आसपास से, तो आप लोग एक नंबर मार्केट में बाय कर सकते हैं ये पोशाकें। और दुकान का जो नाम है वो मैं आगे आप लोगों को भी वीडियो में बताऊँगी
कहाँ पे है, किस जगह पे है और इसका नाम क्या है। तो आप लोग एंड तक ब्लॉग में बने रहिए, आगे ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा इस दुकान का, इस शॉप का नाम। तो यहाँ पे सभी भगवान से रिलेटेड जो भी पोशाकें हैं, वस्त्र हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मूर्तियों के वस्त्र भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। कपड़े कपड़ा दे दीजिए आप अपना, या फिर इसी शॉप से फैब्रिक खरीद लीजिए, फैब्रिक भी मिलता है यहाँ पे, पोशाकें बनाने के लिए एक से एक फैब्रिक मिलता है यहाँ पे इस शॉप में। तो आगे आपको नाम पता लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर झुमकियाँ, तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं माता रानी की नोज़ पिन, तो बहुत ही प्यारी सी, देखिए हमारी माता रानी है, छोटी सी नोज़ पिन मैं ले रही हूँ। वैसे तो हमारी माता रानी पे है, पहनी हुई है, मैं लेकर आई थी उनके लिए, लेकिन फिर भी मैं जब भी आती हूँ तो जब भी माता रानी के आभूषण खरीदती हूँ यहाँ से, तो मैं ज़रूर सारी चीज़ें लेकर जाती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए मुकुट, माता रानी की स्पेशल हैं ये वाले मुकुट जो हैं, बहुत ही प्यारे से, और कन्हैया के अलग से हैं, माता रानी के अलग से हैं। तो जिस भी तरह का लेना चाहते हैं वो मिल जाता है, जिस भी तरह के आप यहाँ पर मूर्ति जो है माता रानी की, कन्हैया की, किसी भी देवी देवता की मूर्ति जो है वो बाय कर सकते हैं यहाँ से एकदम रीजनेबल प्राइस पे। और देखिए मुकुट जो है ना वो लाते हैं, बिल्कुल डिज़ाइनर मुकुट हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी वर्क इनका थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो, एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है सभी सभी चीज़ों की। और देखिए यहाँ पे मानवी वंश और उन मानवी के पापा, देखिए भगवान की चीज़ों में ये भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब बस भगवान की शॉपिंग करने में, देखिए अपनी तो शॉपिंग हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन भगवान की भी, कन्हैया की भी, माता रानी की टाइमली करते रहना चाहिए। और हम लोगों को लग गई है जी प्यास, तो भैया लेकर आ गए थे हमारे लिए पानी, के मैम आप पानी क्या पी लो, ये सभी बता। लोग प्यास लग गई होती है जो अपने विंडो पे लगा सकते हो, और इसमें अपने किसी की फोटो लगा सकते हो, माता रानी, राधा कृष्ण, शिव परिवार, किसी की भी, बाकी बहुत कलर मिलते हैं और टिश्यू की होती है। तो गाइस ये देखिए, ये बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ देखने के लिए मिली आज यहाँ पे। माता रानी की फोटो पीछे की साइड लग जाएगी ना इसमें, विंडो की साइड के ही लगा सकते हैं। तो देखिए प्राइस क्या है इसके, अच्छा अच्छा उस साइज के हिसाब से प्राइस होते हैं। तो गाइज ये भी परचेज कर सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी सी चीज है, देखिए बहुत ही बढ़िया साइज के हिसाब से प्राइस है इसके। चुकी हूँ यहाँ पे एक नंबर मार्केट, रघुवीर जरी एम्पोरियम। तो देखिए हम लोग यहाँ से माता रानी लेकर गए थे, और जब भी हमें कुछ सामान की ज़रूरत होती है तो हम यहीं पे आते हैं। तो माता रानी की पोशाक लेने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, बहुत ही, तो गाइस बस मैं आ गई हूँ। देखिए आपको अगर माता रानी का सामान, भगवान से रिलेटेड कोई भी, कन्हैया की पोशाक है, माता रानी की पोशाक है, कुछ भी पोशाक है, तो आप लोग यहाँ से, एक नंबर मार्केट हमारे यहाँ फरीदाबाद में ये पड़ती है, और दुकान का नाम मैंने बताया ये आपको, रघुवीर जरी एम्पोरियम। तो देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और माता रानी की पोशाक और उनके श्रृंगार का सामान, कंगन और मुकुट, सारी चीज़ें लेने के लिए। तो बस चलिए ले लेते हैं और चलते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो।
तो देखिए यहाँ पे वंशी के पापा देख रहे हैं जी हनुमान बाबा की मूर्ति, और हमारे मंदिर में वैसे तो हैं लेकिन क्या है कि छोटे हैं हनुमान बाबा हमारे मंदिर में, तो बस एक लेने हैं। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े भक्त हैं माता रानी के और हनुमान बाबा के, बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं तो पूजा करते हैं। तो जब भी कहीं जाते हैं इस तरह की शॉप में तो वो ये सब देखते हैं, हनुमान बाबा की लेनी है वैसे हम लोगों को मूर्ति। तो देखिए हमने सामान ले लिया, यहाँ पे माता रानी की जी शॉपिंग हो गई है। और बस शॉपिंग करने के बाद हम एक नंबर आए और वहाँ के सिंग्स किचन के हमने मोमोज और हनी चिली पटेटो नहीं खाए, तो क्या फ़ायदा एक नंबर जाने का। तो देखिए जब भी हम जाते हैं तो ये सिंग्स किचन आप लोग जाइए, पंजाबी सरदार जी की है, खा कर आइए वहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी वेरी तो गाइज टेस्टी। आ गए हैं जी मार्केट से, और माता रानी की दो पोशाकें ले ली हैं, आप लोगों को अभी वीडियो में दिखाई हैं, उनके कंगन ले लिए हैं, मुकुट ले लिए हैं, और बाकी जो नवरात्रि का सामान रह गया वो मैं यहीं से लेकर आऊँगी, कल जाऊँगी, क्योंकि आज इतना ही ले लिया तो धीरे धीरे तैयारी हो पाती है। तो बाकी जो जैसे नारियल है और भी चीज़ें हैं, और चौकी पे बिछाने वाला कपड़ा है, और कुछ डेकोरेशन के फ्लावर वगैरह फूल वगैरह हम मार्केट से लेकर आएंगे। तो किस तरह की डेकोरेशन करेंगे कैसी करेंगे तो आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा, आने वाले जो भी ब्लॉग होंगे नवरात्रि ब्लॉग तो उनमें देखिएगा आप लोग कैसे बनाएं और किस तरीके से हम पूजा करते हैं। देखिए नवरात्रि के मैं ब्लॉग हमेशा ही बनाती हूँ, ठीक है जी, और पूजा पाठ सब कुछ मैं दिखाती हूँ भाई। और माता रानी की पूजा करिए, बुलाइए, स्वागत करिए उनका, जिस भी भाव से आपकी जो भी श्रद्धा है उसी श्रद्धा के साथ माता रानी का स्वागत सभी को करना चाहिए, ठीक है। देखिए माता रानी तो हमेशा ही घर में रहती हैं, भगवान सभी रहते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ये ऐसे हमारे त्यौहार हैं, नवरात्रि त्यौहार हैं, दीपावली है, तो ये हिंदू फेस्टिवल हैं हमारे, तो ये बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाने चाहिए। और पुराने जो चलते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, तो उनको उसी तरह से हमारे फॉलो करना चाहिए, हमको हमारे पूरे रीति रिवाज जो भी हैं उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए आगे भी। तो चलिए जी आ गई हूँ मैं मार्केट से और तैयारी हो गई है थोड़ी बहुत। तो चलिए आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया करे तो लाइक करा करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय एंड सी यू अगेन, जय माता दी।